नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपतियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी साझा की है। पीएम ने हैनकॉक प्रोस्पेक्टिंग ग्रुप, रॉय हिल, एस किडमैन एंड कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष जीना राइनहार्ट एओ से भेंट की। प्रधानमंत्री ने भारत के परिवर्तनकारी सुधारों और पहलों पर प्रकाश डाला और उन्हें खनन और खनिज क्षेत्र में प्रौद्योगिकी निवेश और कौशल विकास में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियन सुपर के मुख्य कार्यकारी पॉल श्रोडर से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने दुनिया में विदेशी निवेश के लिए सबसे पसंदीदा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की विश्वसनीयता पर प्रकाश डाला और ऑस्ट्रेलियन सुपर को भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया। प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई उद्योगपति तथा फोर्टेस्क्यू मेटल्स ग्रुप और फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट के संस्थापक से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट की। प्रधानमंत्री ने हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के साथ काम करने की फोर्टेस्क्यू ग्रुप की योजनाओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदायों को सिडनी के कुडोज बैंक एरिना में संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय अभिवादन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जो भारतवंशियों को अपनी जड़ों से जोड़कर रखती है। यह और खुशी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी भारतीयता के विविध रंग खूब भाते हैं। आज भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों का आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रेस्पेक्ट, जो करोड़ों लोगों को परस्पर जोड़ता है। साथियों, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी परीक्षा में पास होने वाले नौजवानों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि आगे एक फलदायी और संतोषजनक भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश की सेवा करने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक बहुत ही रोमांचक समय है। प्रधानमंत्री ने परीक्षा में असफल होने वालों से कहा कि उन्हें अपना कौशल और ताकत को प्रदर्शित करने के लिए कई विविध अवसर मिलेंगे। आगे और प्रयास करने की बात भी उन्होंने कही। आज ही के दिन साल 1606 में गुरु अर्जुन देव जी शहीद हुए। वे सिख धर्म की गुरु परंपरा के पांचवें गुरु और शहीद होने वाले गुरुओं में पहले गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म का सबसे बड़ा तीर्थस्थल हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने अपने ट्वीट संदेश में गुरु अर्जुन देव जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व पर भावपूर्ण श्रद्धासुमन। सर्वधर्म संभाव के प्रखर पैरोकार गुरु अर्जुन देव जी ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान किया।
उनका जीवन हमारे लिए सच्ची प्रेरणा है। आज 1908 को जयपुर में जन्मे राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रामकिशोर व्यास जी की जयंती है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनकी जयंती के अवसर पर अपने ट्वीट संदेश में कहा कि राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रामकिशोर व्यास जी की जयंती पर भावपूर्ण नमन। जनता से सीधा जुड़ाव रखते हुए उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास और राज्य के प्रगति में अहम योगदान दिया। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।